सभी बैठ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बैठ जाए, थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाषण करेंगे। एक बार जोरदार नारे लगाएंगे, बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, अमर है, अमर है। भाई आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ है। भाई आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ है। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर है, अमर है, अमर है। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर है, अमर है, अमर है। रविंद्र भाटी जी संघर्ष करो, हमारे साथ है। सतपाल चौधरी जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ है। अनिल गैनवाल जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ है। अब आपके बीच में आपके चहेता युवा दिलों की धड़कन, आपके बीच में सीधे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच में आ रहे हैं। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करके भैया, सभी बैठ जाए भैया, देखो शोर ना करें, बैठ जाओ। जब तक आप लोग बैठोगे नहीं कोई बात नहीं होगी, जब आप लोग बैठ जाओगे तभी बात होगी। जब आप बैठ जाओगे तभी बात होगी। भैया इसको बंद करो, इसको मैं खोल लो, बोलो मेरे पास। वही भाई आपसे अपील कर रहे हैं कि आराम से बैठ जाओ, आवाज ना करें तो थोड़ा आप भी सम्मान रखो। आपके प्यार के लिए भाई इतनी दूर से सुबह से गाड़ी के अंदर और रोड के ऊपर ये भाई आप जब इतना इंतजार किया है तो कुछ बातें सुनने के लिए आए हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि प्यार से युवा साथियों से नीचे से ही बैठ के फोटो ले लें। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, नीचे बैठे 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 बैठे। मैं सिर्फ तुम्हारा उनकी वजह से तुम्हें कह रहा हूँ, वरना डांटता तुम्हें बहुत। आगे हो जाओ, से वो बैठ जाएंगे वहाँ, तुमने काम कर लिया सब कुछ। बैठो एक बार में बैठो, वरना मैं फिर मैं कोई बात नहीं रखूंगा अगर आप लोग नहीं बैठोगे। आगे से डी बना लेना, वरना ये नौजवान बात नहीं रखने लगे। ये समाज के सम्मानित लोग दो दो में से बैठे, तुम लोग हमसे आगे ड्रामा कर रहे हो। ये पुलिस के लोग इनको व्यवस्था क्यों नहीं करा रहे? आप लोग कहते ठीक है तो भर गई है। जय वीर। मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं माफी भी चाहता हूँ कि आपको बहुत देर तक इंतजार करनी पड़ी। आपके यहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ 4:30 बजे का प्रोग्राम था और अपने प्रोग्राम को सफल करने के लिए आप 12:01 बजे यहाँ आ गए थे और अब 10 बज रहे, 9 घंटे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन मैं भी आपसे बताना चाहता हूँ कि आप प्यार इतना करते हैं, पूरे रास्ते पे लोग ही लोग थे, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहाँ से गाड़ी प्यार से निकल जाती, हाथ जोड़ जोड़ के गाड़ी यहाँ तक पहुंची और वो भी तब जब रामगढ़ वालों का प्रोग्राम
कैंसिल करना पड़ा, तब मैं आपके बीच में 10 बजे पहुंच पाया। मगर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और जरूरी बात इसलिए करनी है क्योंकि अगर मैं आपसे अपना दर्द नहीं कहूंगा और अगर मैं समाज पे इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर चल रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगा तो रास्ता नहीं निकलेगा। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर उनके दिल में समाज के लिए इतना सा भी दर्द हो तो वो इन फोनों को बंद करें। मैं यही खड़ा हूं आपके लिए। क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, ये कैसे नहीं हो सकते जो नारे लगा रहे हैं? यार ये समाज को धोखा देने वाले लोग हो सकते हैं? देखो, जिस समाज के युवा समाज की जीते जी लड़ाई नहीं लड़ते वो जीते जी भी मरे हुए के समान होते हैं, लेकिन जिस समाज के युवा गैर जिम्मेदार हो जाए, नालायक हो जाए, नशेड़ी हो जाए, लापरवाह हो जाए, उस समाज के वजूद को आज नहीं तो कल खतरा हो के रहना, एक बात मेरी याद रखना आप लोग। मुझे बड़ी तकलीफ से बात कहनी पड़ रही है अलवर में खड़े होकर यहां कि यहां के 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, यहां का नौजवान कम जिम्मेदार है। मुझे बात कहनी पड़ रही बड़ी तकलीफ के साथ, क्योंकि हमारे सरपंच यहां बैठे हैं, हमारे समाज का कि नाक यहां बैठे हैं बहुजन समाज के, लेकिन 9 घंटे में उन्होंने 1 मिनट के लिए अपनी जगह नहीं छोड़ी होगी, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बैठे हुए हैं। और ये जो अभी भीड़ में से यहां आए, ये पूरे कार्यक्रम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। एक समय देगा समाज तुम्हें अवसर देगा चलाना, जब तुम्हारी पीठ पे समाज का बोझ होगा तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हल्ला मचाने से कितने काम सफल होते हैं, चिल्लाने से बोलने से नहीं सफल होता, तैयारी करने से सफल होता है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं, नमन इसलिए करता हूं उनको पूजने के लिए नहीं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाने के लिए नहीं, उनको नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी ना धूप देखा ना छांव देखी, उन्होंने अपने सुख सुविधाएं देखी, अपने बच्चे और खुद के जीवन को हमारे ऊपर कुर्बान किया, और ना होते हमारे रहमत तो आज आपका ये खून इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं रख रहा होता और ये कुर्सियां नहीं लगी होती। अगर नहीं होते हमारे रहमत जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया कि उनकी आने वाली नस्लें इस देश में गुलामी का जीवन ना जी, ये जो आज मिला है ये आज की देन नहीं है मेरे लोगों। इतिहास याद करो, इसकी शुरुआत गुलामी के समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू की, उनको गुरु मान के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाई, उनसे सीख लेके अपनी क्लास वन की नौकरी छोड़ के लातवार के नौकरी पे मानेवर काशीराम साहब ने इसको आगे बढ़ाया, और आज इस समाज के कंधों पर जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के साथ अपने समाज और अपने महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए काम करें। आप ये सोचो, अगर आप महापुरुषों की सच्ची औलादे हो तो मुझे जवाब दो कि महापुरुषों का कारवा पूरा नहीं हुआ हम लोग चैन से कैसे सो सकते हैं? आप बताओ, महापुरुषों का कारवा अधूरा है, महापुरुषों के सपने अधूरे हैं, समाज आज भी रोटी रोटी के लिए मोहताज है, जुल्म जाति बढ़ रही है, लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, ढकने के लिए पक्की छत नहीं है, जाति के नाम पर अन्याय हो रहा है, धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा है, खाल उतर उतारी जा रही है गरीबों की। जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, ओम प्रकाश रैगर, हाथों का मामला, कितनी घटनाएं याद दिलाओ, नासिर, जुनेद, असगर, तोला गुजर, क्या क्या याद दिलाओ आपको। आप जानते हो मैं भले ही आपकी खुशी में शामिल होने आता हूं या
लेकिन जब भी राजस्थान में अन्याय होता है कोई ऐसा एक मामला नहीं होगा कि मैंने आप यहाँ आपके बीच आके आप इस लड़ाई को मजबूती से ना लड़ा, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। और मैंने प्रयास ये किया कि हमारा नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, और क्यों समझ ले मैं बताना चाहता हूं। जिन बहनों के साथ अन्याय होता वो बहनें उम्मीद करती होंगी कि उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले हाथ खड़े होंगे आके, उनकी वो माएं उम्मीद करती होंगी कि उनके आंसू पूछने वाले उनके औलादें आके खड़ी होंगी, वो बुजुर्ग जिनकी पगड़ी उछाली जाती है वो उम्मीद करते होंगे कि उनकी संतानें उनके इस अपमान का बदला उनको सम्मान का जीवन दे के देंगी। लेकिन अगर नौजवान अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए, जिस पिता का पुत्र कपूत हो जाए वो पिता जीते जी भी मरे हुए के समान हो जाता है। आपके कंधों पर जिम्मेदारी है नौजवानों, क्या जिम्मेदारी है सुनो। आज देश के संविधान को बर्बाद करने की, खत्म करने की तैयारी सरकारों ने कर ली। मैं अब राजस्थान की बात करूंगा, आप यहां सुबह से इंतजार कर रहे हो, आप समाज का माल हो, आप इस समाज के हक वंचित समाज के योद्धा, आपको समाज का नेतृत्व करना। राजस्थान में पिछले 5 साल में हजारों आंदोलन हुए, हर आंदोलन में हमारे लोगों ने पूरी एनर्जी लगाई, लेकिन न्याय के नाम पे सिर्फ हमारे साथ मजाक हुआ। मैं सीएचए की भर्ती में आया, छोड़ो उत्तर प्रदेश में मैंने कितनी जेलें काटी, छोड़ो, सीएचए की भर्ती हुई, सीएचए की आंदोलन चल रहा था बच्चों का, मैं आया, यहां की सरकार ने 4 दिन मुझे जेल में भेज दिया, मैं हंसते हंसते चला गया, क्योंकि आप जानते हो कि कोई जेल मेरा हौसला नहीं बिगाड़ सकती, मैं आपका खून हूं, कोई जेल मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने आपसे लड़ना सीखा कि किस तरह से मुसीबतों में आपने हमें अपने पेट को भूखा रख के हमें पाला, उधार लेके अपनी टूटी हुई चप्पल पहन के उन फटे हुए कपड़ों में हमें पढ़ाया, और हमें इस लायक बनाया कि हम इस समाज की लड़ाई लड़ सके। हर ग्रेड टीचर जो है उनके ट्रांसफर नहीं हुए, उनके आंदोलन को लड़ने में आज सरकार ने रोक दिया। मैं जितेंद्र मेघवाल की जब मूछे रखने पर क्या हुई, मैं आया, सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर दिया। इंद्र मेघवाल को जब मन की सुनी पर क्या हुई, मैं आया। ये ताली बजाने का विषय नहीं है। मक्की छूने पे जब आपके बच्चे की हत्या हुई तो मैं आया, और सरकार ने 4 बार मुझे लौटाया, वापिस दिल्ली छोड़ के आई। ओम प्रकाश रेगे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पिता का अपमान हुआ, उसके पिता को पीटा गया, उसके पिता को अपमानित किया गया, वो बच्चा न्याय नहीं दिला पाया, उसने सुसाइड कर लिया, उसकी लाश को लेकर 3 दिन में बैठा रहा आंदोलन में। आप ये बताओ, जो सरकार आपको अन्याय होने पर न्याय भी ना दे, वो सरकार आपकी तरक्की सुनिश्चित कर देगी क्या? जो सरकार आपके आंसुओं पे मुस्कुराए वो आपको कामयाब करने की सोच रखेगी क्या? बहुत मसले। मैं भी मध्य प्रदेश से लौटा, वहां पे संविधान बचाओ यात्रा का हिस्सा बना मैं बहुत सारे गांव में गया, राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है झालावाड़ भीलवाड़ा, वहां मैं जब निकला गांव का गांव सड़कों पे था, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग नौजवान सब, मैं महिलाओं से मिला, कितने पैसे मिलते हैं, क्या करती हो, कहा अपनी खेती नहीं है, ये तो फिर भी अलवर में आप ताकतवर हैं, तन से भी मन से भी धन से भी यहाँ तो आप ताकतवर हैं, ये गर्व की बात है हमारे लिए कि यहाँ आपने अपनी वजूद को अपनी जमीन को मजबूत कर रखा। लेकिन जब मैं उनसे मिला, रुक जा,
जब मैं मिला तो मैंने पूछा क्या करती हो, कहा कि दूसरों खेतों में काम करते हैं। हमने कहा क्या मिलता है कि 150-200 रुपए। हमने पूछा घर चल जाता है क्या, तो कहा चलाना पड़ता है। और जब ये बात वो कह रही थी उनके आंसू टपक रहे थे। मैं नौजवानों से मिला, क्या करते हो कि भैया गुजरात में काम करते हैं। तो मैंने कहा तुम यहां के रहने वाले गुजरात क्यों जाते हो, कोई रोजगार नहीं, महाराष्ट्र जाते हैं मुंबई काम करने के लिए, क्या काम करते लेबर का। और मैंने कहा यहां क्यों, क्या पता लगा आप आ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको देखने के लिए टीवी पे देखा, आपको देखने के लिए चले आए काम छोड़ के। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझसे क्या उम्मीद करते हो, तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो बहुत मेरे लिए बड़ा भावुक पल था कि हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की 21वीं सदी में हमारी तरक्की का जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो आपके आंदोलन से पूरा होगा, हमें ये लगता है, इसलिए हम लोग गुजरात से महाराष्ट्र से राजस्थान चले आए। और ये सच भी है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार कहती है हम पे ठेका नहीं। और ये मैं राजस्थान सरकार के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो देश में घूमता हूं, मैं अगर आपसे दर्द बताऊंगा तो आप सुन नहीं पाओगे। मैं सिद्धार्थ नगर हम गए, भगवान बुद्ध की धरती कपिल वस्तु, जब मैं रात को 9 बजे सभा करके निकला, और मेरे नौजवानों सुनो और अमल करो और देखो क्या हालात है तुम्हारे, कि जिस गांव के बाहर से निकलता वहीं बहनें माएं लोटा लेके खड़ी हुई, जिस समाज की बच्चियां महिलाएं बहनें जिनको सड़क पे इस तरह से खड़े होकर अपमानित होना पड़े, वो समाज के नेता कैसे सो जाएं घर में पड़े, उस समाज की आने वाली पीढ़ियां कैसे चैन की नींद सो जाए। इसलिए घूमता रहता इस जिम्मेदारी को समझते हुए कि जेल से भी लड़ लूंगा, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से भी लड़ लूंगा, एनआईए से भी लड़ लूंगा, झूठे मुकदमों से भी लड़ लूंगा, जेल भी चला जाऊंगा और गोली भी खा लूंगा, लेकिन जब तक आपको जगा ना दूं, जब तक आपका मनोबल बढ़ा के आपको तरक्की के लिए खड़ा ना कर दूं, तब तक रुकने का नहीं। आप नहीं समझते, मुझे नहीं बनना राजस्थान में MP MLA, आप जानते हैं इस बात को। मैंने जहां जन्म लिया मैं खून आपका हूं, लेकिन वहां 403 सीटें हैं विधानसभा की, और लोकसभा की 80 सीटें हैं, आपके यहां 10 सीटें हैं, आपके यहां विधानसभा की 200 सीटें हैं, मेरे यहां आपसे दुगनी सीटें हैं, आपके यहां लोकसभा की 10 सीटें हैं, मेरे यहां आपसे 8 गुना ज्यादा 25 है, आपसे 3 गुना के लगभग ज्यादा है। मगर मैं यहां इसलिए क्योंकि जहां अगर यहां भी आपको दर्द हो रहा है तो उस दर्द की तकलीफ मुझे भी, और अगर मैं समाज को परिवार मानता हूं तो ये तकलीफ होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए और आपको भी होनी चाहिए। अगर हाथ और उसमें अन्याय हो तो अलवर को तकलीफ होनी चाहिए, अगर उन्नाव में अन्याय हो तो अलवर को तकलीफ होनी चाहिए, और अगर किशनगढ़ में अन्याय हो, अगर पाली में अन्याय हो, अगर उदयपुर में अन्याय हो तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए कि आपकी कौम के साथ अन्याय हो रहा है। पूरा दिन हो गया हमें निकले हुए, और जब मैं आपसे अलग हटके माओ बहनों से मिलता हूं, उनकी बातें बता देती है कि वो कितनी तकलीफ में। आप बताओ, अलवर को तो मैं जानता हूं, जो हमारी राजधानी है, ये हमारी मजबूत राजधानी है, मगर आप बताओ क्या पूरे देश में या पूरे मध्य राजस्थान में हमारी स्थिति ऐसी है, आप बताओ। अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो ऐसी स्थिति अच्छी कैसे होगी, आप बताओ। आज सब लोग कह रहे हैं संविधान को खतरा है, आप मानते हैं संविधान को खतरा है, हाथ उठा के बताओ जो लोग मानते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, तमाम राजनीतिक दल यहां है, तमाम नेता यहां है, फिर उन सबके रहते खतरा कैसे हो गया, आप बताओ।
इसका मतलब वो अपना काम ईमानदारी से, क्योंकि अगर वो अपना काम ईमानदारी से करें तो फिर संविधान पे खतरा कैसे हो गया आप बताओ। और आप ये बताओ, चुनाव के बाद कोई आपके दर्द तकलीफ में शामिल होने आया? किसी ने पूछा कि आपका पेट भूखा है या भार भरा हुआ? आपके घरों में आटा है या नहीं, किसी ने पूछा? अभी एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया, मुख्यमंत्री जी बहुत योजनाएं चला रहे हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? कहा वो सिलेंडर सस्ता कर दिया है और एक दो योजनाएं और बताई। मैंने पूछा भाई कब चलाई? कहा अभी अभी। मैंने कहा क्यों, 4.5 साल में कोई और मुख्यमंत्री था गया? 4.5 साल यहाँ जनता नहीं रह रही, इनके पलायन करके देगा लोग यहाँ से। जो 4.5 साल बाद चुनाव आने पर मुख्यमंत्री को याद आया कि इनके हितों के लिए कुछ करना, फिर मैंने उनको बताया कि इसका सच क्या है, तुम भी सुन लो। पहले चुनाव से एक दो दिन पहले रात के अंधेरे में वोट के खरीदार आते थे थैले में पैसे लेके, और गरीबों को ये कहते थे वोट तो आपको देनी ही है, उनको देने की बजाय हमें दे देना, कुछ पैसे ले लो आपके घर चल जाएंगे। और हमारे लोग अपने बच्चों के रोटी के लिए कुछ पैसा मिल जाए इस वजह से उनको वोट देते थे, इसको वोट की खरीदारी कहते हैं। पहले वो खरीदारी रात के अंधेरे में होती थी, क्योंकि उस समय हमारे नेता आंख से आंख मिला के इनसे लड़ रहे थे। अब हमारे नेता थोड़े से चुप हो गए हैं, अब दिन के उजाले में खरीदारी हो रही है। आप ये बताओ, ये खरीदारी नहीं है तो और क्या है कि कुछ पैसे ले लो और वोट हमारी पार्टी को दे दो? क्या एक आपके वोट की खरीदारी नहीं है क्या, है या नहीं है बताओ? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए दिया है कि इस वोट से हम देश की गद्दी में बैठे नरेंद्र मोदी को रोड मिनिस्टर बना सकते हैं अगर हम चाहें। इस वोट की शक्ति से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम लोग रोड मास्टर बना सकते हैं अगर हम लोग तय कर लें। ये तो बात हुई रोड मास्टर बनाने की, लेकिन इस वोट की शक्ति से हम अपने बीच के व्यक्ति को इतना ताकतवर भी बना सकते हैं कि वो आपकी सारी पीड़ाएं हर ले, आपकी एक एक परेशानियों को खत्म कर दे। क्योंकि संख्या तो हमारे देश में बहुत है बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन समस्या भी हमारी इतनी है, और संख्या से हल नहीं होगा। हल होगा जब वोट की शक्ति बना के आप अपना राज स्थापित करोगे। मैं जब सतगुरु रविदास महाराज को पढ़ता हूँ वो एक बात कहते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आपसे जरूर कहनी है, क्योंकि आपको नहीं कहूंगा तो मेरा दर्द कम नहीं होगा। सतगुरु ने कहा है कि रविदास मनुष्य कारी बसन्नु, रविदास मनुष्य कारी बसन्नु, सूकर है कोई ठाव, एक सुराज माही दूसर मरगट खाओ। मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। कारी बसन का मतलब है सुख सुविधाएं सम्मान का जीवन। सदगुरु जी ये कह रहे हैं कि सुख सुविधा और सम्मान का जीवन अगर चाहिए, उसके दो रास्ते हैं सुख शांति से जीने के। पहला स्वराज, कि अपना राज हो तो सुख शांति से जी सकते हैं, वरना मरघट गांव। जब हम शमशान चले जाएंगे तो सुख शांति आएगी, क्योंकि फिर नहीं पता क्या हो रहा है।